हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। आज मैं आपके लिए झाग वाली क्रीम लेकर आई हूं। हाँ, इतना तो गोरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। तो चलो हम इस क्रीम को बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या लेना है, सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसमें हमें एक आधी चम्मच लेनी है, और हमें लेनी है मैदा। तो हमें क्या करना है, दो चम्मच मैदा लेनी है। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करनी है, और इनको मिक्स करने के बाद हमें दूध डालना है। दूध गर्म होना चाहिए, जिससे कि जो सोडा है ना एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें हमें कुछ चीज़ ऐड और करनी है। इसमें हम लेंगे नींबू की दो या तीन बूंदें लेंगे रस की, तो मैं इसमें ले लूँगी। इससे देखना एकदम झाग हो जाएंगे इस क्रीम में, और अच्छा सा एक क्रीमी पेस्ट बन जाएगा ये। तो इस तरीके से हमें दो से तीन बूंदे लेनी है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये पूरा अच्छा पेस्ट बनना चाहिए, देखो इस तरीके से। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, एलोवेरा जेल मिला लेंगे। थोड़ा सा हमें एलोवेरा जेल चाहिए। एलोवेरा जेल कोई सी भी कंपनी का हो, घर का हो, सब चलेगा इसमें। तो हमें थोड़ा सा लेना है, और इसको क्या करना है, मिक्स करना है। इससे क्या हमारा जो पेस्ट है ना, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखो ये कितना अच्छा पेस्ट बन गया है, एक वो झाग वाली जैसी क्रीम हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे मेरी कोहनी है या हाथ है, जहाँ पर डेड स्किन हो जाती है और सांवलापन आ जाता है, कालापन आ जाता है, इसको हम पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पे यूज़ नहीं करनी है। फेस पर इसको यूज़ ना करें, ट्राई करके ना देखें। तो आप है ना क्या करना है आपको, ये हाथों पर, मैं आपको हाथों पर लगा के बता देती हूँ। हाथों पर लगाने के 5 मिनट इसकी मसाज करनी है। 5 मिनट के लिए इसको धो, इसको ना छोड़ देना है। 5 मिनट बाद इसको धोना है। इससे देखना इसका जो कलर है ना, हमारे हाथों का कलर कितना अच्छा हो जाएगा। तो देखो ये मैंने मसाज कर लिया, मसाज करने का 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने इनको धो कर आई। देखो मेरे हाथों पर कितना असर हुआ है इसका। हम इसको हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस पे नहीं। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।